बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया और एक बहुत सेंसिटिव ग्रांट जो सरकार की तरफ से उसकी डिमांड के रूप में रखी गई है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री माने हमारे थावरचंद जी, कृष्णपाल जी, गुजर मंत्री जी वो बैठे हुए हैं, मैं इनको इस बात के लिए बधाई भी दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग उनके उत्थान के लिए अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट लोग जितने हमारे समाज में हैं, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अदर बैकवर्ड, उन सबका हित एक तरफ से सम्मान रूप से उनको आगे बढ़ाया जाए, और ये इस बात का प्रधानमंत्री का विजन इस बात को दर्शाता है कि 14% की बढ़ोतरी इस वर्ष ना तो कुछ चुनावी वर्ष है, वरना मेरे विरोधी बंधु ये भी शोर मचाते चुनावी वर्ष, इसलिए बजट में इसका 14% की बढ़ोतरी की गई है टोटल बजट की, 1,38,740 करोड़ का बजट। ये बजट निश्चित रूप से उस वर्ग को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था अंतिम व्यक्ति का उदय हो, उसके उदय के लिए ये बजट बढ़ाया गया है। मेरे बहुत से बंधु इस बात के लिए बार बार इस बात को कह रहे थे, कोई सोशल सामाजिक न्याय के रूप में इस बात को दर्शा रहे थे कि नहीं ये इस प्रकार का बजट और ज्यादा बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि इस सामाजिक क्षेत्र में, चाहे हम हैंडीकैप की बात करें, इस देश के इतिहास में जो हैंडीकैप दिव्यांग बंधु थे उनको उपकरण उनके पार्लियामेंट में जाकर और उनको फैसिलिटीज दी जाए सामाजिक रूप से उनके उत्थान के लिए, ये देश के 70 साल के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि पार्लियामेंट में कैंप लगाकर और करोड़ों रुपए का इंस्ट्रूमेंट देने का काम सरकार ने की है। ये मोदी साहब की पिछड़े वर्ग के सम्मान के लिए और उसको उत्थान के लिए ये योजना में बजट यहाँ पर इसमें ग्रांट देने की बात आई है। 7.5% अकेला शेड्यूल ट्राइब जो आदिवासी के रूप में लोग रहते हैं, जो चाहे समुद्र के किनारे मछुआरे के रूप में, चाहे आदिवासी जंगलों में पहाड़ों में रहते हैं, उनके उत्थान के लिए इस बजट का आयोजन किया गया है। इस बजट के माध्यम से वो जो होनहार बच्चे हैं जिनको पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, अनुदान के रूप में भी उन विकसित बच्चों के विकास के लिए लोन के रूप में इसमें स्पेशल रूप से प्रोविजन रखा गया है, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा अनिवार्य है, शिक्षा सबसे अनिवार्य, उनका मंत्र था बाबा भीमराव अंबेडकर जी का, उनके नाम से रोटियां तो बहुत लोग सेकते हैं, हमारे मल्लू जी की पार्टी भी उन्हीं के नाम से रोटी सेकती रही, लेकिन उनके उत्थान के लिए चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर के पंच स्थान बनाने का काम माने प्रधानमंत्री जी ने किया कि इस वर्ग के लोगों को भी सम्मान मिलना चाहिए, वो पिछले 70 साल के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी मुख्यमंत्री दलितों के नाम से रोटी सेक रही है, आज तक बताते एक विधानसभा में उनकी अगर 20,000 वोट हो उस समाज की तो टिकट को तो भेज देंगे 1 करोड़ रुपए में, लेकिन उस समाज की आज तक 50 बेटियों की शादी की कभी इनकी पार्टी के फंड से, इनकी नेता ने? वो पूछना चाहता हूं, केवल जो रोजी रोटी चलाती है केवल समाज के उत्थान के नाम से, अभी देश के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के नाम से सीए का विरोध करने के लिए, सीए का विरोध करने के लिए कहा जा रहा है अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को, उसी प्रकार के मेरे बात बोलना, मेरे बात इसीलिए उनको गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरे मनोज जी आप क्या बात कर रहे हैं, मनोज जी अरे कमाल कर रहे हो आप, केवल अध्यक्ष जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एक तो वायलेट किया गया साहबानों केस के अंदर महिलाओं के उत्थान को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में बदला, तो कुछ ऐसे कटमुल्लों के दबाव में आकर और एक तरफ माने प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के ऊपर कुठाराघात ना हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किए, यहाँ पर कानून बनाकर उस कानून को उनके अधिकार और हक मिले अनुसूचित जाति वर्ग के, 70 साल के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। सर मैं ओबीसी पे आना चाहता हूँ, सर 1953 में काका कलेलकर की मिट कमेटी बनी, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, नेहरू जी ने बनाई थी, 55 तक उस कमेटी ने काम किया और 1993 तक ओबीसी समाज के लिए, अभी खड़े हो गए नागर साहब बेकार वकालत करने के लिए, टिकट कट जाएगी, केवल 1900 में पूछना चाहता हूं सरकार में वो रही, मैं पूछना चाहता हूं ओबीसी को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए वो क्या करते रहे 1993 तक, 1993 में आकर केवल एक आयोग तो बना लेकिन आयोग लंगड़ा लूला बनाया गया था सर, उस आयोग को अधिकार नहीं दिए, ये काम किया था 2018 में माने प्रधान
प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी समाज के लोगों को उनके हक और अधिकारों के लिए आयोग बनाकर संवैधानिक हक देने का काम किया, तो इस सरकार ने माने प्रधानमंत्री जी ने दिया है सर। इसीलिए ये जो लोग केवल रोटियां सेकते हैं, केवल गुमराह करते हैं, केवल भटकाते हैं, इसीलिए मैं आपके माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूँ माने मोदी जी के नेतृत्व में जो एक काम इस देश के अंदर समाज के उत्थान के लिए किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, ये आरोप लगाते हैं इस पार्टी इस संगठन के ऊपर, पंडित दीनदयाल जी ने नारा दिया था सर कि वो सरकारें बेईमानी है जब तक अंतिम व्यक्ति का उदय ना हो जाए। अंतर व्यक्ति समाज में वही था जिसका हक और अधिकार मरता चला गया था सर। इसीलिए अंतिम व्यक्ति के उदयन के लिए जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, वो योजनाएं बनाई गई, चाहे बिलो पॉवर्टी लाइन की हो, गरीब के मकान की हो, 10 साल तक सरकार में लोग बैठे रहे, केवल भ्रष्टाचार, 2G 3G कोयला लूट कर देश को खाते रहे। माने प्रधानमंत्री मोदी साहब आए और आने के बाद चाहे उज्ज्वला कनेक्शन देने का काम किया इस वर्ग के समाज के लोगों के लिए, चाहे घर बनाकर, चाहे उनको टॉयलेट बनाने का काम किया उसी वर्ग के लोगों को, तो इस सरकार में इसी सामाजिक न्याय मंत्रालय के माध्यम से दिया गया, थावरचंद जी के नेतृत्व में दिया गया सर। इसलिए सर मैं आपके माध्यम से मैं आप एक निवेदन करना चाहता हूं मंत्रालय से कि जो गरीब परिवारों की बच्चियां अनुजाति वर्ग की हैं उनको उनके परिवार के लोग इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि शादी में उतना ही पैसा खर्च करना पड़ेगा, उनकी शादी के लिए कम से कम केंद्र सरकार जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष है जी, वहां पर पीड़ितों को दिया जाता है बीमारों को, इस सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से उन गरीब परिवारों की बेटियों के लिए कम से कम 51,000 रुपए की व्यवस्था होनी चाहिए कन्यादान के रूप में, सांसद की सिफारिश में उस अनुसूचित जाति वर्ग के अगर व्यक्ति को लगेगा बेटी की शादी में तो मोदी से कन्यादान आ जाएगा, तो अपने गरीब पैसा व्यक्ति उस बच्ची को जब छोटी होगी तो पढ़ाने में वो पैसा जोड़ने की बजाय शादी के लिए उस बच्ची के पढ़ाने में पैसा व्यय करेगा और बच्ची को पढ़ाने का काम करेगा। ये मेरी आपके माध्यम से मांग है। दूसरी मेरी एक मंत्रालय से इस प्रकार की इस बात के लिए मांग मैं करना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोग जो मोदी साहब ने काम किया, हम सांसदों के माध्यम से जो काम नीचे तक आम जनता तक नहीं पहुंच पाया, फैसिलिटी जारी है, लेकिन जिसके पास फैसिलिटी चली जाती है वो तो मानता है मुझे मिल गई, जो उसके प्रति कैपेबल नहीं था नहीं पहुंच पाई वो मानता नहीं है। एक सरकार की तरफ से जैसे दिव्यांगों के लिए कैंप लगाए गए थे, इसी प्रकार से तहसील के अनुसार केंद्र की तरफ से समाज कल्याण मंत्रालय इस प्रकार के कैंप लगाए कि अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों के पढ़ाने के लिए जो अनुदान दी जाती है उन बच्चों के लिए उसकी फैसिलिटी के लिए एक सिंगल फॉर्म की व्यवस्था की जाए जिससे दर दर की ठोकर उनको ना खानी पड़े और ओबीसी एससी एसटी के समुदाय के जो लोग हैं उनका उत्थान हो सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके अध्यक्ष से बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।